अपना तो हमने लास्ट जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, जब मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो हमने देखा कि यार बहुत सारे लोग घर पे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, यूपी बिहार जा रहे थे, तो उनको फिर खाना खिलाना हुआ या उनको फिर पानी बिस्तरी जो कि हमने बांटना स्टार्ट किया। उसका दिन बाद हम आगे बढ़ते गए, लोगों को राशन बांटना हुआ, फिर जब विंटर आया तो हमने ब्लैंकेट बांटे। जैसे हमें टीम आगे बढ़ती गई, जब हमसे वुमेन जुड़ते गए, हमने एक सैनिटाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना रूल रेगुलेशन चालू कर दिया। फिर देखा लोगों के पास जॉब नहीं है, तो हमने जॉब फिर कैंपेन चालू किया कि लोगों को जॉब मिले, उनका घर का सबसे खुद से वो कर सके। तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट हम करते ही करते गए, फिर वापस जब लॉकडाउन लगा इस बार, तो वापस हमें राशन पे ध्यान दिया, लोगों को राशन बांटना चालू कर दिया। फिर हमने पुलिस कर्मचारियों को नाश्ता पानी पाया हुआ, समोसा वगैरह बांटने का एक ड्राइव किया, छाते बांटने का हमने ड्राइव किया, आम लोगों को, मतलब ये मैंगो सीजन में लोगों को आम खरीदने के नहीं हो रहा था, हमने उसको आम भी लोगों को बांटे। तो आज हमारे एक साल जब पूरा हो गया एनजीओ को, तो फिर हमने सोचा कि कुछ, एक्चुअली पहले हमारा प्लान एक अवार्ड फंक्शन का था, जो उसका नाम मैंने गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड रखा था, गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड। तो मतलब जो भाई सोशल वर्कर है, जिन लोगों ने सोशल एक्टिविटी, जिन लोग मतलब समाज के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, वो भले फिर चाय वाला हो या फिर पैसे वाला हो, ये नहीं मतलब कि जो पैसे वाला है या फिर प्रोफेसर सूट वूट पहन के आ गया तो उसको वाले अवार्ड दो। जिसने सच में जेन्युइन काम किया है, तो बोले कोई भी हो, उसको हमने अभी अब तक हमारे 7-8 जन हमने ढूंढ के निकाले हैं जो फाइनलाइज हो गए। तो अभी भी हमारा 21 अवार्ड देंगे हमारे और गोल्डन विनर अवार्ड के, तो अभी भी लोगों को ढूंढना हमारा चालू है। फिर हमको जैसे लोग मिलेंगे, और स्पेशल आज के दिन अवार्ड फंक्शन हम करने वाले थे, बट ये कोरोना का जो चल रहा है उसमें परमिशन का इशू आ रहा है या फिर ज़्यादा लोग नहीं मिल रह पाएंगे, तो इससे बेटर हम लोग तो आगे ढकेल लेता हूँ। क्योंकि एक फंक्शन जो हमारा मकसद ये मेरा कि जो लोगों ने दुनिया सोशल का मतलब समाज के लिए काम किया है उनको हाईलाइट करना है मेरे को, कि मतलब उनके हौसला बढ़ेगा, वो और भी लोगों के लिए काम करेंगे, लोग उन्हें जानेंगे, लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, और भी लोगों की हेल्प हो सकती है, ये मेरा मेन मोटिव है। मैंने सोचा है खाली 21 अवार्ड ही रखने वाला, 21 मेरा एक गुड लक नंबर भी है, तो मैंने सोचा कि हर साल में 21 अवार्ड ही रहेंगे ना, 100-200 मतलब भीड़ नहीं रखना है मेरे को, 21 अवार्ड खाली रहेंगे, उसमें 5-6 जन का तो हमने फिक्स कर लिया है, बाकी और लोग को हम देख रहे हैं कि किनको देना चाहिए सच में जिन्होंने जेन्युइन काम किया है। बाकी अवार्ड सब मुझे कुछ पता नहीं मतलब कैसे होते क्या होता है, मेरा खाली इतना फंड है कि जिसने कुछ काम किया है सच में वो अपना प्रोफाइल भेजे उसको अवार्ड मिलेगा, बाकी चीज़ें कुछ होने वाली नहीं है। कोई भी सेवा मतलब उसने कुछ भी किया हो, मतलब उसने एग्जांपल एनिमल के लिए कुछ काम किया होगा, सोशल के लिए कुछ काम किया होगा, कुछ भी मतलब उसने कुछ समाज के लिए अच्छा काम किया है उसको अवार्ड देना है हमको। स्पेशली कोरोना काल या कोरोना योद्धा अवार्ड ऐसा समथिंग कुछ नहीं है, जनरली जो भी है मतलब उसने कुछ काम किया है उसको अवार्ड देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे फैमिली मैंने सही सलामत रही, मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया, मैंने बहुत मेरे दोस्त जो है उनको खोया है, मेरे फैमिली में उनके माँ बाप भी कुछ लोगों के दोस्त चले गए, तो बहुत एक ख़राब कंडीशन है। लेकिन जिसका भी फैमिली अब है उनको शुक्र माना चाहिए कि उनकी फैमिली है, और उनको लोगों की हेल्प करना चाहिए, अपन आपको किसी की हेल्प करेंगे ना तो गॉड अपने को देखता है, अपना सब सही सलामत रखता है। तो मैं वही चाहता हूँ कि मेरे से जितना लोगों की हेल्प हो या मेरी जो टीम है जुड़ी हुई सबसे जितना हेल्प करें, हम लोगों तक पहुँचे। और मेन मेट अभी मेरा नेक्स्ट प्लान वही ध्यान इस पर ही है अवार्ड फंक्शन पे, जो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर में कर लूँ, मैं 2-3 महीने का गैप लेके अच्छे से सितंबर तक सब कोरोना का सब ठीक हो जाएगा तो अपना अवार्ड फंक्शन में तब करूँगा, और जो भी है अपना जेन्युइन अवार्ड फंक्शन अपने करेंगे कि मतलब लोगों में सच में एक मैसेज जाए कि भाई जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है जेन्युइन है, और जो सच में लोग काम कर रहे हैं उनको अवार्ड मिले, उनका फैसिलिटी और उनको लोग जाने और उनसे लोग जुड़े और लोगों की हेल्प कर सके। ओपन फाउंडेशन में कास्ट वगैरह था कुछ नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने एनजीओ का नाम रखना चाहा था तो बहुत जन लोगों का बोला कि तेरा नाम भी अच्छा है, रमज़ान फाउंडेशन रख दे या कोई फिर अल मदद कोई ऐसा मुस्लिम नाम, मुझे बहुत सजेस्ट किया लोगों ने। कि मैंने मेरा जो पॉइंट था कि मुझे कोई कास्ट कोई धर्म नहीं देखना था, मुझे हर रिलीजन के लिए काम करना था, इसलिए मैंने कैसा नाम रखा मतलब कि ना हिंदू हो ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन कुछ ना हो, होप मेरे फाउंडेशन, होप मतलब अपना एक उम्मीद, और मिरर मतलब आईना मतलब आशा का किरण है, क्या मतलब जो भी हो कोई भी हो हिंदू मुस्लिम हो सबके अपन हेल्प कर सके, इसलिए मैंने एक ऐसा नाम रखा जो सब पे सूट ह्यूमैनिटी के लिए काम करना था मेरे को, इसलिए मैंने कोई रिलीजन पे नहीं गया मैं। हाँ बहुत है, अपने इसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है सिख भी आज जैसे आए थे, वो सब मिक्स है इसमें, ऐसा कोई ये नहीं मतलब इंडिया बसा है इसमें पूरा, कोई एक ये नहीं है जिले, सब इंडिया बसा है, सब कास्ट के सब इसके लोग हैं। और स्पेशली मैं बच्चों को ज़्यादा लेता हूँ कि मेरी ख्वाहिश मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी से उनमें अगर मैं डालूँ ना मतलब कि सोशल वर्क करने का तो वो आगे अगर फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा आज वो रमेश चौधरी 17 साल का वो लड़का है, वो मेरे 1 साल से मेरे जुड़ा हुआ है,
तो ऐसे लोगों को मैं छोटे से लोग जितने भी रुबीना खान होगी उसकी भी 20-22 साल, अरबाज मिर्दे, आबिद फारूकी, जो भी हमारे यंग टीम है, बाकी अभी लोग, ये इसका मतलब नहीं है बुढ़े लोग या फिर बाकी लोग है, बट मैं चाहता हूँ यंग लोग में अभी से डालेंगे ना तो आगे जाके मतलब और ज़्यादा काम कर सकेंगे। पहले तो हम जब ये लॉकडाउन जब गिरा तब मैंने जब मैं राशन बांट रहा था यू बॉम्बे, तो मुझे बॉम्बे से मेरे जो शैलेश भाई मेरे जो दोस्त थे उनके, अरे पुष्कर भाई वो जो आप जो जुड़े हमसे लोग से, फिर उन्होंने बोला कि ये करुणा मैम भी है और उनके साथ और भी लोग हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं, वो भी पहले से सोशल वर्क करते आ रहे, तो ठीक है बोला कि अच्छे काम करने में लोग अब से जुड़े तो इतनी अच्छी बात है ना, तो मुंबई का भी वो लोग ही संभालते हैं होपमेन फाउंडेशन का, वो भी अच्छा, वो आज भी जब हमारा आज एक साल हुआ तो आज प्री पैटेशन हमारा जब था वो बॉम्बे से अंदर से इधर आए अपना टाइम निकाल के आना, बोले सबसे ये टाइम पे टाइम देना बहुत बड़ी बात है, तो अपना टाइम निकाल यहाँ पे आए, उन्होंने साथ में हमें टाइम स्पेंड किया, लोग पेड़ लगाए सब का, तो ये अच्छी टीम बढ़ती जा रही है। मतलब अब क्या प्लान है होपमेकर का, क्या प्लान, क्या फ्यूचर प्लान क्या है होपमेकर का? फ्यूचर प्लान अभी है तो एक दो प्लान तो है, जैसे अभी मुझे जो लोग जॉबलेस हुए तो वापस से मुझे जॉब फेयर कैंपेन रखने का मेरा प्लान चालू है, नेक्स्ट मंथ या फिर ये वीक में मैं जॉब फेयर कैंपेन अरेंज कराऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जनवरी में किया था तो वहाँ पे भी 100-150 लगभग आदमी लोग को जॉब मैंने लगवाए थे हम लोग ने, तो अभी भी वो मेरा एक प्लान है फिलहाल के लिए। उसके बाद आगे जैसा बोलते ना जैसा देश वैसा माहौल वैसा करना पड़ता है, जैसे कि वापस अगर लॉकडाउन पड़ गया या कुछ और बढ़ गया तो वापस राशन पे आना पड़ेगा कि लोग के पास इनकम सोर्सेस कम हो जाते हैं, अगर नहीं पड़े तो और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे अपन लोगों को जॉब दिलाना हुआ या बाकी कुछ चीज़ें, तो जैसा ज़रूरत पड़ेगी मतलब वैसा वैसा अपन काम करेंगे, ऐसा फिक्स कोई एक ही मोटिव नहीं अपने एन जी ओ का, मतलब कि बस राशन ही बांटना है, ब्लैंकेट ही बांटना है, पेड़ ही लगाना है, यही करना है, नहीं जो जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर आगे से उसके साथ हम काम करते जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये है कि मैं एक इसलिए मैंने एक पोस्टर भी लॉन्च किया था लास्ट मंथ 2 महीने पहले ही कि 15 जून का ऑडिशन आने वाला, तो मेल आईडी मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, मैंने प्रमोशन भी किया था, तो उससे मेल आईडी भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वहाँ पे अपना प्रोफाइल भेज सकता है, मेल से कॉन्टैक्ट कर सकता है, अगर वो खुद का नहीं है, अगर कोई पर्सन है वो जानता है कि किसी थर्ड पर्सन ने अच्छे काम किया है तो उसका प्रोफाइल भेज सकता है, तो प्रोफाइल चेक किया जाएगा अपने टीम से और सच में जेन्युइन जिसने काम किया है उसको ही अपना अवार्ड देंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर ये सब पूरे जितने भी दिख रहे न्यू बॉम्बे बॉम्बे में कोई भी पैसे के देके या कोई भी ऐसा होते मुझे पता नहीं क्या होता, वैसे भी कॉल ना करें, मैसेज ना करें, जेन्युइन जिसने काम किया है वही कॉन्टैक्ट करें क्योंकि उससे हम अवार्ड देने वाले हैं। ईमेल आईडी हमारा है award@hopemaker.org, इस पर आप मेल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपना इंस्टाग्राम पे भी है या फिर 8699272829 इस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट होपमेकर फाउंडेशन करके उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बट जेन्युइन जो लोग हैं जिन्होंने सच में काम किया है वही कांटेक्ट करें क्योंकि जेन्युइन और संख्या होने वाला है, किसी से पैसे किसी से राशन या कोई चीज़ लेके अवार्ड देने वाले नहीं है हम लोग, जो सच में जिसने काम किया है वही कांटेक्ट करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।